हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वैशाख माह की अमावस्या का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। वैशाख माह में किए गए दान पुण्य और कार्यों का कहीं गुना फल प्राप्त होता है, ऐसा गुरुदेव अपनी कथा में बहुत सी बार वर्णन कर चुके हैं। गुरुदेव द्वारा बताए गए वैशाख माह की अमावस्या पर ऐसे कुछ अचूक उपाय जिससे हमारे घर के अंदर कलेश खत्म हो जाता है, संकट दूर हो जाता है, पितृ प्रसन्न होते हैं, पितृ दोष खत्म हो जाता है, मांगलिक कार्य घर में प्रारंभ होना स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है, ऐसे कुछ उपाय हैं जो वैशाख माह की अमावस्या पर कर लेने चाहिए। पर अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि अमावस्या कब है, 19 तारीख को, अप्रैल को है या 20 अप्रैल को। चलिए पूरा आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताया जाएगा कि कौन सा उपाय आपको 19 तारीख को करना है, कौन सा 20 तारीख को करना है, क्योंकि दोनों ही दिन अमावस्या तिथि पड़ रही है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जरूर शेयर करना जिससे और लोगों को भी लाभ प्राप्त हो। जी साथियों, पितृ हमारे घर के खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं तो हमारे घर में कोई विघ्न होता ही नहीं है। आपको 19 अप्रैल को जो कार्य करना है वह प्रथम कार्य यह है, आपको अपने परेंडे पर जहां आप घर के अंदर रसोई घर में मटका हंडा परेंडे का भर के रखते हो पानी से भरा हुआ, वहां पर एक पितरों के निमित्त घी का दीपक जरूर प्रज्वलित कर देना है शाम के समय। याद रहे साथियों, 19 अप्रैल को शाम के समय आपको अमावस्या का अपने घर के पितरों के निमित्त एक दीपक प्रज्वलित कर देना है, जहां जल भरकर हम रखते हैं अपने घर के अंदर वहां पर दीपक वाला कार्य 19 अप्रैल को होगा। बाकी सारे कार्य होंगे 20 अप्रैल अमावस्या को। सर्वप्रथम 20 अप्रैल को आपको क्या करना है, काले तिल लेना है, एक तांबूल पात्र जल कलश में उन तिल को डालना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए यह जल आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। साथ में आप गंगा जल भी मिलाना चाहो तो अति उत्तम होगा। गुरुदेव अपनी कथा में बताते हैं अमावस्या तिथि पर शिवलिंग पर समर्पित जल सीधे पितरों को प्राप्त होता है, पितृ लोक में चला जाता है और पितृ इससे आचमन करते हैं, तृप्त होते हैं और बहुत ही प्रसन्न रहते हैं, तो एक लोटा जल जरूर समर्पित करें। 20 तारीख अमावस्या तिथि पर आपको कुछ हरे मूंग लेना है, आप थोड़े हरे मूंग ले लीजिए, कटोरी, दो कटोरी, चार कटोरी, जितनी आपकी श्रद्धा है। इन्हें 19 तारीख रात को आप भिगो दीजिए। जब 20 तारीख को इस तरह से भीग के तैयार हो जाएंगे, नंदी को यह हरे मूंग 20 तारीख को आप खिला दीजिए। जितने संकट घर के होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे, विघ्न खत्म हो जाएंगे, कांटे खत्म हो जाएंगे। अमावस्या तिथि पर हम अगर ब्राह्मण भोज नहीं करा पाते हैं, अगर करा पाते हैं तो अति उत्तम रहता है। अमावस्या तिथि पर ब्राह्मणों को बहुत जरूर कराना चाहिए। किसी कारणवश नहीं करा पाते हैं तो गाय को एक रोटी पर गुड़ रख कर के गौ माता को जरूर खिलाना चाहिए। और वैशाख माह में तो ये कार्य नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। अगर नहीं भी करते हैं तो अमावस्या तिथि पर गौ माता के निमित्त चारा निकालें, गौ माता के निमित्त प्याव खुलवा दें, गौ माता के निमित्त कहीं पानी भरवा दें, गौ माता के निमित्त एक रोटी पर गुड़ रख करके जरूर खिलाएं, जिससे सारे विघ्न बाधाएं खत्म हो जाती हैं, जिससे हमारे पितृ पितृलोक में अति खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं और भर भर के हमें आशीर्वाद देते हैं। अमावस्या तिथि वैशाख माह की आप अगर कहीं पर मटके दान कर सकते हैं, जल के भरे हुए कलश मिट्टी के कहीं पर प्याव लगवा दीजिए। अगर नहीं लगवा सकते हैं, जहां पर प्याव है वहां पर आप मिट्टी का जल का कलश भर करके वहां दे करके आ सकते हैं, जिससे भी कहीं गुना पुण्य की प्राप्ति होती है और पितृ हमारे तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं। वैशाख माह में प्यासों को पानी पिलाना अति उत्तम माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है, तो इस अमावस्या तिथि आप जरूर करें। 20 अप्रैल को किए जाने वाले सारे कार्य हमने आपको बता दिए हैं, इनमें से कोई भी कार्य आप कर सकते हो। अगर आपके कोई प्रश्न रहते हैं कमेंट करना, हम उनके उत्तर देने की कोशिश करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों। मिलते हैं हम फिर से नए वीडियो में। हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाकाल बाबा आपकी सारी कामना पूरी करे। इसी के साथ हर हर महादेव।